नमस्कार दोस्तों, आज एक फिर नई जानकारी के साथ। ये बॉल वाल्व है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। अब ये लीवर क्या है, चालू है अभी, अब देखते हैं। चालू है, अब इसको बंद करते हैं तो ये पूरा बंद हो रहा है। अब इसी में एक प्रॉब्लम और आती है, वो मैं दिखा देता हूँ। अब वो क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे अब मैं बंद कर रहा हूँ इसको, अब ये देखो, ये पूरा यहाँ आ गया है, बंद हो गया है एकदम। लीवर एकदम बंद है, लेकिन साइड से देखोगे तो बिल्कुल मामूली सा एक आपको जगह दिखाई दे रही है। ये देखोगे तो यहाँ जगह दिखाई दे रही है, इधर से पानी लीक होता रहता है। बल्कि वाल्व को अपने पूरा बंद कर दिया है, इधर वाल्व को पूरा बंद करने के बाद भी ये इतनी जगह दिख रही है आपने को, घुमा के दिखा रहा हूँ आपको ये। अब मैं इस वाल्व को खोलता हूँ, खोलता हूँ तो ये देखो, वाल्व यहाँ आ गई, गोली रुक गई और वाल्व मेरा पूरा खुला है। दूसरी साइड देखोगे तो ये जो लॉक है इसका यहाँ आके रुक जाता है, ये भी पूरा यहाँ आ गया है। अब मैं इसी को वापस से ऐसे घुमाता हूँ, अब ये वाल्व बंद हो गया है। अब इसमें जगह देखते हैं तो यहां से जगह दिखेगी आपको, साइड से गौर से दिखाता हूं, ये आपको साइड में जगह दिख रही है। ये देखो पूरा बंद नहीं हुआ है। ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे होती है, क्या कारण है, ये पूरा नहीं खुल रहा है। अभी मैं दिखाता हूं, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अब मैं इस वाल्व को बंद करता हूं, ये बिल्कुल बंद हो गई, और वापस इसको खोलता हूं मैं, नीचे की तरफ घुमाता हूँ, पूरा खोलता हूँ, ये पूरा खुल गया। अब इतनी देर में ये वाल्व सॉल्व हो गई, और इतनी पहले ये खराब थी। ये कहाँ प्रॉब्लम आती है, कैसे आती है, सारा इसको खोल के मैं बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या नहीं आती। पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, ऊपर वाला हैंडल, इसका हैंडल खोल के फिर बताता हूँ आपको इसमें ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आती है। और मैंने इसको खोल लिया है, ऊपर वाले हैंडल को, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इस हैंडल के ऊपर, देखो। अब मैं जैसे ऊपर उठाऊंगा इसको, ये देखो, अब देखो ऊपर उठा रहा हूं तो इतना ऊपर उठ रहा है, और नीचे कर रहा हूं इसको तो ये नीचे जा रहा है। देखो ये यहां से घिस गया है नीचे, वो दिखाऊंगा कहां से घिस गया है। दूसरा क्या होता है, जैसे मैं अब हाथ से घुमा रहा हूं उसको, तो ये देखो आराम से बंद हो गया, आराम से खुल रहा है, आराम से बंद हो रहा है, हाथ से ही हो रहा है। कई बार इसमें पानी लीक करता है, यूं ये ऊपर वाला हैंडल जाए, यूं लूज हो जाए, आराम से चलने लगे, तो अपने क्या करना है, साइड में यहाँ चूड़ी होती है, इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है। मैं अब टाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, अब मैंने इसको टाइट कर लिया है, क्यों इसके दोनों साइड में रबड़ रिंग लगे होते हैं। अब मैं इसको हाथ से घुमाऊंगा तो ये हाथ से नहीं घूम रहा है वो, अब मेरे को प्लास लेना पड़ेगा। अब मैं इसको प्लास से घुमाऊंगा, क्यों रबर रिंग जब लूज हो जाते हैं तब, अब देखो ये प्लास से घूम रहा है, अब ये रबर रिंग है, टाइट हो गए, अब पानी लीक नहीं होगा। एक वजह पानी लीक होने की ये होती है कि यहां से अगर लूज है तो उसको पूरा टाइट कर लेना। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूं अंदर क्या क्या है। ये ऊपर की साइड है जो अपने नट खोला है अभी, इसमें यहाँ एक ये सफेद रंग की दिख रहा है, ये प्लास्टिक की इसमें रबड़ रिंग होती है, ये इस गोली पे अटैच होती है, इसके अंदर ये गोली है, गोली में निकाल देता हूँ बाहर, ये गोली है। गोली में एक तरफ ये खांचा बना होता है, इस तरफ जिस तरफ हैंडल का जो ये पिन है नीचे आके इसके अंदर लगती है, और ये जो रबर रिंग लगा हुआ है ये इस साइड में ऐसे रहता है, ये ऊपर से यूं बंद करते हैं, यूं खोलते हैं, यूं बंद करते हैं, यूं खोलते हैं और यूं बंद करते हैं, तब ये देखो ये बंद हो गया। अब यूं दूसरी साइड में घुमाते हैं तो यूं खुल जाता है। कई बार ये यहां से कन्नी खराब हो जाए या जंगाल आ जाए या यहां वो वाल पूरा सही काम ना करे, तो आप क्या करें, इधर का खराब हो गया तो इसकी बिल्कुल विपरीत साइड, इसकी बैक साइड, इस साइड में
इस साइड में ऐसा खांचा एक और बनवा लें तो आपका ये काम करना वापस चालू कर देगा। यहाँ साइड में इधर मत बनवाना, बिल्कुल इसके बैक साइड में जहाँ ये है इसी के बैक साइड, इस साइड में खांचा बनवा लेना। अब मैं इसमें पिन निकाल के दिखाता हूँ। ये जो पिन होती है इसमें, इनमें छोटी पिन होती है, कई वालों बड़े आते हैं उनमें पिन बड़ी होती है। तो बड़ी होती है उसमें क्या होता है, यहाँ एक नट लगा होता है, उस नट को खोल के वो बाहर निकाली जाती है। ये छोटी होती है, ये अंदर से निकल जाती है। मैं हिला के निकाल देता हूँ इसको। ये ऐसी एक पिन लगी होती है, इस जगह पे लगी होती है। कई बार यहां से पानी लीक करता है ऊपर से जहां हैंडल लगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ दो खांचे से बने दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये दो खांचे हैं, इन दो खांचों में रबड़ रिंग लगे होते हैं जो ऊपर पानी नहीं आने देते। तो आप ये रबड़ रिंग चेंज कर लो तो ऊपर जहां हैंडल की तरफ से पानी निकल रहा है वो बाप का बंद हो जाएगा। और इसमें आगे ये कि खांचा बना होता है, इस टाइप का ये खांचा होता है। खांचा अगर ये घिस जाता है कई बार जंगाल आने से, तो थोड़ा सा यहाँ घिस लेना है दोनों साइड से और वापस ये गोली में ऐसे लगता है। ये गोली का खांचा है और ये इसका खांचा है, ये दोनों ऐसे इस तरह लग जाते हैं। ये ऊपर वाला हैंडल ऐसे घुमाते हैं तो गोली को ऐसे ऐसे घुमा देता है, इधर खोल देता है इधर बंद कर देता है बस। इसमें क्या दिक्कत होती है कि यहाँ कन्नी सी होती है छोटी छोटी, ये दिख रही है कन्नी, छोटी बहुत ही छोटी कन्नी होती है, दिखा रहा हूं मैं। ये कन्नी इसके अंदर देखोगे तो यहां भी एक आपको कन्नी नजर आएगी इस जगह पे। ये कन्नी इसमें चली जाती है। ये क्या होता है, घिस जाती है, घिस जाती है तो इसमें क्या होता है, प्ले आ जाती है। मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको, ये देखो। अब अंदर देखोगे तो ये बिल्कुल गया अंदर, और ऊपर देखोगे तो ऊपर कितना बार आ गया, ये यहां तक आ गया बार, ये यहां तक बार नहीं आना चाहिए, ये इतना अंदर रहना चाहिए यहां तक। ये घिस घिस के देखो अब ये पीछे चले जाता है। अब अंदर देखोगे आप तो ये घिस घिस के अब इतना होना चाहिए इसको बाहर निकला हुआ, ये यहां से घिस जाती है। अगर आपकी कन्नी थोड़ी सही है और ऊपर ना आने दो तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, ये ऊपर जाएगा तो इस बाल को क्या होता है कम घुमाएगा। जो वो मैंने आपको प्रॉब्लम शुरू में दिखाई थी, बाल यहां पूरा बंद करने पे बंद नहीं हो रहा, खोलने पे पूरा खुल नहीं रहा, वो क्या था कि ये ऊपर की तरफ आ गया था और इसको ऊपर से यूं दबा के हैंडल को फिर यूं वाल को बंद या चालू करोगे तो वाल आपका सही काम करता हो आएगा, क्योंकि ये पूरा उसके खांचे के अंदर लग जाता है, खांचे के अंदर लग जाता है और उसको पूरा बंद और चालू कर देते हैं। और जब ये थोड़ा सा ऊपर यूं ये यहाँ कन्नी सी घस जाती है तो ये ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है तो यहाँ पूरा लगता नहीं है, गोली पूरी घूमती नहीं है, ये पानी पूरा बंद या चालू नहीं होता। और ये दो रबड़ रिंग लगे होते हैं इसमें, एक ये होता है एक साइड में और एक साइड में ये होता है। अगर ये रबर रिंग खराब हो जाए, ये प्लास्टिक के रबर रिंग होते हैं, अगर काम नहीं चल रहा है, टेम्परेरी कोई जुगाड़ ही बनाना है, यहां से कट गए हैं और हो गए, तो इसको क्या करना है, उल्टा करके, अब ये इसकी सीधी साइड है, उल्टा करके लगा देना है। उल्टा करके लगाने से भी आपका 2-4 महीने काम चल जाएगा और आपका ये सही काम करने लगेगा। इसमें क्या है, ये कन्नी थोड़ी बहुत हो आपकी बची हुई तो घर में ऐसा एक तार होगा, इस तरह का तार आता है, ये तांबे का तार है, कोई पतला तार होता है, ऐसा छल्ली सी बना लेना एक तार की और इसके अंदर डाल देना यूं गोल, इसके अंदर बना के इस तरह यहां डाल दोगे। यहां ये कन्नी बनी होती है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कन्नी बनी होती है, इस कन्नी के चारों ओर ये छल्ली, ये तार का टुकड़ा यूं लपेट देना और तार का टुकड़ा लपेट के फिर इसके अंदर डाल देना। अब ये तार का टुकड़ा इसके अंदर डल गया ना, तो ये क्या है, इस वाल को ऊपर नहीं आने देगा, तो आपका कुछ दिन काम चल जाएगा।
और ये रबर रिंग चेंज करने हो, ये रबर रिंग चेंज करने हो तो इनकी बैक साइड में यूं छोटा पेचकस लेके इस साइड से यूं थोड़ा सा इसको धकेले हो यूं, तो इस साइड से ये रबर रिंग बाहर आ जाएगा आपका। ऐसे ऐसे आप नया मिलता है, ये बिल्कुल खराब हो गया तो आप चेंज कर सकते हो, और वापस लगाओ तो इसको यूं दबा के वापस लगा देना। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।